हर काम डिजिटल हो चुका है, ज्यादातर टाइम हमारा कहाँ स्पेंड होता है? इंटरनेट पर। चाहे काम है या फिर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपना कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, स्टडी चल रही है, या आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हर तरीके से आप किसी ना किसी टाइम पर या किसी ना किसी तरीके से आप हर टाइम इंटरनेट से जुड़े होते हैं। अब इंटरनेट अगर आप इतना इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप ये भी अवेयर रहें इस बात के लिए कि किन तरीकों को अपना कर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को फंसा रहे हैं और उन्हें कितना लाखों का उनका नुकसान करवा रहे हैं। अब ये किस किस तरीके से फंसा रहे हैं कि अगर आप 50 रुपए की भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं ऑनलाइन तो वो आपको लाखों में पड़ जाए, इस तरीके से ये जाल बिछाया जाता है। अब जो ज़्यादा अवेयर नहीं है साइबर क्राइम्स के बारे में, वो कोई भी लिंक आता है उस पर क्लिक कर देते हैं, उन्हें एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या है इस लिंक में। तो मैं एक दो इंसिडेंट हो भी चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए और इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे आप कोई भी खाने की चीज़ अगर आप सर्च करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया या कोई भी जो भी आपका फेवरेट फूड है, या फिर आप लंच डिनर जो भी आप सर्च कर रहे हैं गूगल पर, उसका आप ऑर्डर देना चाहते हैं, तो बहुत बार बहुत से इतने एक्साइटेड ऑफर होते हैं कि एक थाली के साथ 2 थाली फ्री, या एक पिज़्ज़ा के साथ 2 पिज़्ज़ा फ्री, या बहुत कुछ खाने का सामान है। और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अच्छी जो कंपनीज हैं, अच्छे लोगों हैं, एकदम जेन्युइन लगने वाले वैसे ही ऑफर्स आपके सामने रखते हैं और आप एक्साइटेड होकर के हमें इतने कम पैसे में और इतना अच्छा मिल रहा है ऑफ़र, तो हम क्यों इसे हाथ से जाने दें, और आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उसके साथ फिर आपको अपनी डिटेल भरनी होती है जो पेमेंट होती है। तो वहीं जो आपको 100-150 रुपये का जो भी सामान पड़ रहा है आपके अकाउंट में, जितने भी हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, वो सब साफ। तो हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादा खुश मत होइए कोई अच्छा ऑफ़र देख करके, हमें इतने कम दाम में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। इस बात का तो आप खास ख्याल रखिए कि अगर आपको इंटरनेट पे कम दाम में कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल रही है जो उतने दाम में नहीं हो सकती, इतना तो माइंड आप भी अप्लाई करेंगे ना कि इतने दाम में इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, वहाँ पर लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिए। अब मैं सेकंड आपको बताती हूँ कि ये बहुत कॉमन हो गया जो मैं आपको सेकंड बता रही हूँ, लेकिन तब भी बहुत लोग जो हैं वो थोड़ा फेद में या फिर फ्रेंड मानकर ये एक ना समझी कर बैठते हैं। अब मान लिया आपके फ्रेंड लिस्ट है, आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, अचानक से क्या होता है कि आपके किसी फ्रेंड का मैसेज आता है कि मेरे फैमिली मेंबर कोई हॉस्पिटल में है या मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमीडिएटली इतने पैसे चाहिए। अब ऑब्वियसली आपका क्लोज फ्रेंड है, आप तुरंत उसकी हेल्प करोगे और फटाफट उसको बोलोगे, हाँ भाई बताओ मुझे कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और आप वो पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड ने तो आपको कोई मैसेज नहीं किया। क्या होता है कि आपके ही फ्रेंड का कोई और अकाउंट हैक करके आपसे, या जो भी उसके और जैसा आपको मैसेज आया ना, ऐसे और फ्रेंड लिस्ट में कईयों को आता होगा, और फिर वो ऐसे ऐसे करके कितने सारे पैसे उसकी फ्रेंड लिस्ट से एंट लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इन केस आपके पास कोई भी ऐसा मैसेंजर में मैसेज आता है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, हेल्प करना अच्छी बात है, एटलीस्ट आपका अगर कोई इतना क्लोज फ्रेंड है कि आप उसके लिए जो पैसे वो मांग रहा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो अगर वो इतना क्लोज है तो ऑब्वियसली आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, एटलीस्ट उसे फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके आप उसे पूछ तो लीजिए कि क्या बात है, और आप उससे जब बात करेंगे कंफर्म तो हो जाएगा। सिर्फ एक मैसेज आने पर, और ये मैसेज उसके अकाउंट से आया है और आपने तुरंत पैसे दे दिए, तो ये एक बहुत बड़ी ठगी हो गई। ये चीज़ से आप अलर्ट रहिए, एकदम ध्यान रखिए इन बातों का। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि जो भी टाइम चल रहा है, इस टाइम सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, सबको
जो नौकरी है उसकी ज़रूरत है, घर बैठे नौकरी मिल जाए इससे अच्छी बात ही क्या है। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, लेकिन आपको क्या है कि आपको ज़रूरत है नौकरी की, लेकिन इसका इस चीज़ को ना अपनी वीकनेस नहीं बनाना है। सामने वाले को ऐसे वो दाना फेंकता है ना, जैसे वो कैच करने के लिए, किसी को शिकंजे में लेने के लिए जो एक लालच दिया जाता है, आप प्लीज़ ऐसे किसी लालच में मत फंसिए। एक तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अगर आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं, और कोई आपसे, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे कोई पर्सनल डिटेल मांगता है तो बिल्कुल भी मत दीजिए। आप ऑनलाइन जॉब का कोई ऑफर ले रहे हैं या कहीं कोई भी आपसे कंपनी कोई आपसे पर्सनल डिटेल मांगे, आपका कोई भी नंबर आपसे मांगे, आधार कार्ड नंबर या आपका बैंक अकाउंट नंबर, आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी शेयर मत कीजिए। तो आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या घट रहा है, किस तरीके से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कैसे लोगों के साथ खेल रहे हैं। उनका तो अच्छा पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन आम जनता लूट रही है। तो प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखिए, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है वो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन्हें भी इन बातों का नॉलेज हो और वो भी अलर्ट रहे।